हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं NSM किचन। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ पालक पकोड़े चाट। देखिए, पालक के पत्ते को किस तरह से हम फ्राई करेंगे। देखिए, इसमें मैंने बेसन, इसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है। आपने स्वाद अनुसार लेना है। और इसको हम घोल बनाएंगे। एक थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने मिक्स कर लेनी है। तो इसको अच्छा से एक पकौड़े बनाने का घोल बनाना है, जिसमें हम पालक के पत्ते को डिप करके फ्राई करेंगे। इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिससे बहुत बढ़िया से हमारे पकौड़े बन जाएंगे पालक के। देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको रख दिया हमने साइड में। और ये देखिए, पालक के पत्ते इस तरह से मीडियम साइज के लेने हैं हमने। अच्छा से धो लिया मैंने। और देखिए, इधर हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसको इस तरह से एक पालक के पत्ते को लेना है और इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से डुबो कर हमने फ्राई कर देने है। देखिए, बहुत बढ़िया रेसिपी है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मददगार हो सकता है। देखिए, इस तरह से मैंने, और इसको आपने थोड़ा धीमी आंच पर रखनी है, ताकि ये थोड़ा सा पत्ता जो है कुरकुरा हो जाए। एकदम जल्दी करेंगे तो एकदम फिर तुरंत लाल हो जाएगा, तो फिर आपको पत्ता फिर कच्चा ही रहेगा अंदर से, तो फिर आपको कुरकुरी नहीं होगा। क्योंकि इसका हमने चाट बनानी है। देखिए, मैंने लो फ्लेम पर रखा गैस को। देखिए, इस तरह से हमने हल्का सा ब्राउन करना है इसको। ये लगभग लगभग होने वाला है। इसी तरह से बनाइए आप घर पर। और इसके साथ में जाएगा हमारा दही, आलू। ये देखिए, ये हमारा हो गया है फ्राई बिल्कुल। देखिए, इस तरह से आपने सारे को फ्राई कर लेनी है। अब हम बनाएंगे चाट। देखिए, पत्ते को सारे को एक एक करके इस तरह से हम फैला देंगे। और इसको आपने तुरंत बनाकर तुरंत खा लेना है। ये बनाकर अगर रखेंगे तो ये बिल्कुल छिल जाएगा, नरम हो जाएगा। देखिए, मैंने इसमें डाला उबला हुआ आलू, छोटे छोटे, जैसे चाट बनाते हैं पापड़ी चाट उस तरह से। और मैंने इसमें डाला चाट मसाला। देखिए, इस तरह से चाट मसाला छिड़कना है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है तो ज़्यादा मिला सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगा दही, फेंटी हुई दही। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालने, ताकि बाहर ना निकले। अब इसमें जाएगा हमारा मीठी चटनी। ये देखिए, इसमें भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और जाएगा इसमें हरी चटनी। ये देखिए, इस तरह से अब इसमें थोड़ा सा जाएगा हरी चटनी ऊपर से। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा 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 एकदम बीच में मिलाइएगा आप। उसके बाद फिर आपने इसमें डालना सेविया, नमकीन सेविया, बारीक वाला सेव भी डाल सकते हैं। इस तरह से अच्छा से घर पर बनाइए दोस्तों, और अपने परिवार वालों को आराम से खिलाइए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। आपका छोटा सा सपोर्ट हेल्प हमारे लिए बहुत मदद हो सकती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। लाइक कमेंट करना ना भूले दोस्तों। आपके सलाह सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।